ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़ी चलो। हमारे बड़ी चलो न्यूज पर आज हमारे साथ ही एक खड़े हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज फोर्थ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स के साथ मीटिंग है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स आए हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। ऐसे ही हमारे साथ एक व्यक्तित्व खड़े हुए हैं जिन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर जवाहर इसरानी बोल रहा हूं और ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन्होंने मुझे ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वालों ने इनवाइट किया था और अवार्ड से भी सम्मानित किया है। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा, मैं ऑलरेडी मल्टीपल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, लेकिन इनके जो प्रोग्राम में मज़ा आया वो मैं नहीं कह सकता कि दूसरी जगह पे आया या नहीं आया, लेकिन बहुत मज़ेदार प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। बहुत लोगों ने यहाँ पर मेरे पोस्टेज स्टैम्प्स कलेक्शन को देखा, समझा और ये वादा करके गए हैं कि हम भी अपने बच्चों को कम से कम एक हॉबी से ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। उससे क्या होगा कि एक तो हमारा टाइम जो है क्वालिटी लाइफ टाइम निकलेगा और कभी भी बोर होने का लोगों को मौका नहीं मिलेगा, और अपना जो टाइम है वो एक फ्रूटफुल वे से आगे बढ़ाएंगे। ज़रूरी नहीं कि वो पोस्टेज स्टैम्प्स कलेक्शन ही करें, वो कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं, की रिंग्स कलेक्ट कर सकते हैं, किताबें इकट्ठी कर सकते हैं, पेन पेंसिल वगैरह और कोई भी तरीके का जो आइटम हो सकता है जो कलेक्ट कर सकते हैं, हेयर पिन है, लेडीज़ के कंगन हैं, चूड़ी हैं, कुछ भी। सर, आपने ये रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन ये विचार कहाँ से आया, क्या सोच थी आपकी इसके पीछे? हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा कि मेरे क्लास टीचर हुआ करते थे डॉक्टर मोतीलाल जोतवानी, उन्होंने क्लास में बताया था कि भाई हर बच्चे का एक हॉबी होनी चाहिए, पढ़ाई तो करनी करनी है, इसके अलावा एक हॉबी होनी चाहिए। तो लोधी रोड में मैं जब क्लास 5 में पढ़ता था तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था और मैंने दिल में एक किस्म से ठान लिया था कि आज के बाद मैं अपनी एक हॉबी पालूंगा और उसको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इतना तक मैं कर पाऊंगा ये मैंने कभी उस समय नहीं सोचा। लेकिन कम से कम अभी ये कह सकता हूँ, जब मैंने 11 साल की उम्र में शुरू किया और आज हम 80 साल के हो गए हैं, तो बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और बहुत स्कूल्स कॉलेजेस में, फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में मैंने दिखाया है और वहाँ लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है, अलग अलग जगहों पे देश के और कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में भी मैं इसका एग्जीबिशन लगाया हूँ। सर, अपने आप में एक खास मोटिवेशन है नई पीढ़ी के लिए, उन लोगों के लिए जो कुछ जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप प्रेरणा का स्रोत बनने लायक हैं और बन चुके हैं बहुत सारे लोगों के लिए। अगर किसी ने आपसे कॉन्टैक्ट करना हो, इस बारे में जानकारी लेनी हो कि कैसे इस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे इस पैशन को पूरा किया जा सकता है, तो वो कैसे आपके टच में आएंगे? हाँ, मैंने यहाँ आज एग्जीबिशन लगाया था पोस्टेज स्टैम्प्स कलेक्शन हॉबी का, तो उसमें मैंने हैंडआउट भी रखे थे, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो उससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं रिपीट करना चाहूँगा, मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है 9810236493। कोई भी सज्जन अगर मेरे से कांटेक्ट करेगा, मैं अलग अलग हॉबीज़ के बारे में उसको ज़रूर मोटिवेट करूँगा और उसको इनके ज्ञान प्राप्त करवाऊँगा। थैंक यू सो मच आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और ये 80 साल के वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस उम्र में भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, तो आप भी इस तरह का कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मैं ज़रूर वो दिखाना चाहते हैं यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो उनको प्रति मिली है, ये अपने आप में एक खास प्रति है और अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है जो उन्होंने बनाया है। और ये ऐसे लोग हमारे देश को, हमारे समाज को आगे बढ़ाते हैं। इन सब को देखकर आप भी आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ते हैं हमारे बड़े चलो न्यूज़ चैनल के थ्रू। नमस्कार, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।